होगी। नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अशोक कुमार, गांव मंडान, तहसील तोसाम, जिला भिवानी, हरियाणा, जो हमारी नर्सरी है। और आज हम आपको आम के अलग अलग किस्में के बारे में दिखाएंगे, उनमें फ्रूटिंग किस तरीके से है, कब लगाई जाती है, कैसा पौधा है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो जो हमारी नर्सरी है, पहले बता दूँ जो किसान देखने वाले वीडियो हैं, दिखाते हैं बड़े पौधे, सबसे बड़े पौधे, जो बहुत से फार्मर कहते हैं कि बड़े पौधे किस तरीके से होते हैं, तो वो भी दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमारे पास फिर केसर वैरायटी के बड़े पौधे, मदर ब्लॉक बोलते हैं जिनको, जो किसान चाहते हैं कि हमें बड़ा तैयार पौधा चाहिए। मेरी हाइट आपको दिख रही है, 6 फुट की मेरी हाइट है और मेरे से डबल ये कम से कम है, 12-13 फुट की जो हाइट में पौधा है। और इसमें फ्रूट भी है वो लगा हुआ है, ये देखिए आप, फ्रूट भी है, वो साइज़ बना हुआ है, ये देखिए आप, फ्रूट इस पर बना हुआ है। और 1 क्विंटल मिट्टी यानी कि 100 kg मिट्टी इस पौधे की थैली के अंदर है, और ये हमने यहाँ पे नहीं भरी है, इसी में पौधा तैयार हुआ है। पूरे पौधे की हाइट दिख रही है आपको ऊपर तक, ये देखिए आप। तो ये और दिखा दूँ आपको, इतनी हाइट है जो इस पौधे पे है। नया फुटाव अब लेना स्टार्ट कर दिया इस पौधे ने, ये देखिए नया नीचे से भी फुटाव हो, नए कलर निकलने स्टार्ट हो गए हैं। ये बड़े पौधे हैं जो फार्मर चाहते हैं हमें तैयार पौधा मिले, यानी कि बिल्कुल तैयार पौधा मिले, हम घर पर लगाएँ और लगाते ही हमें फ्रूट मिलना शुरू हो जाए। उन किसानों के लिए या उन बागवानों के लिए या उन किचन गार्डनिंग वाले जो मेरे मित्र हैं उनके लिए ये पौधा सबसे अच्छा है। रेड थोड़ा हैवी है लेकिन उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तैयार पौधा मिलेगा अच्छे, उसमें क्वालिटी केसर वैरायटी का है ये, मैं फिर बता दूँ आपको। केसर वैरायटी में सबसे बड़ा पौधा जो हमारा है वो केसर वैरायटी में है। तो जो वैरायटी अमरपाली है उस पर पौधे पर फ्रूट है वो काफ़ी बनना शुरू हो गया है, यानी कि अभी जो फ्रूट था वो दाना से अब हमारा जो फ्रूट का साइज़ है वो लेना शुरू कर दिया है। ये बड़े साइज़ के पौधे हैं, ड्रम के अंदर हैं, ड्रम है पूरा, हमने ज़मीन में दबा रखा है, ड्रम के अंदर है ये। काफ़ी फ्रूट इस पर आया था लेकिन हमने बहुत कम रखा है इस पर, देखिए गुच्छों में जो फ्रूट है इसने पकड़ रखा है, इस तरीके से गुच्छों में जो फ्रूट पकड़ रखा है इस पौधे ने। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, इधर भी गुच्छों में है, कुछ अम्मी टाइप सा बनना स्टार्ट हो गया है। इसके साथ में इसमें एक हिमसागर वैरायटी है ये वाली, जिसके पत्ते आपको थोड़ा सा अलग से दिख रहे हैं, देखो इस पत्ते में और आप उस पत्ते में नज़र कर देख सकते हो, इसमें थोड़ा सलवटेसी है, बलखाया हुआ पौधा है, ये है हिमसागर वैरायटी। तो इसके पौधे पे फ्रूट भी है वो आपको देखने को मिलेगा। ये चारों तरफ से आपको दिखा दूँ मैं इस तरीके से कितने फ्रूट इस पर लगे हुए हैं। ये बड़े पौधे हैं जो किसान भाई या जो किचन गार्डनिंग के लिए जो शौकीन है, जो चाहिए कि हमें तैयार पौधा चाहिए, ये देखिए आप उस साइड, जिनको ये लगता है कि तैयार पौधा हमें चाहिए उनके लिए ये बड़ी हाइट में है पौधे। जब तक हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है तब तक आप आके ले जा सकते हैं। इन पौधों पे आपको फ्रूटिंग है वो मिलेगी जुलाई तक, ये पौधे हमारे पास हैं ऑर्डर के हैं, बहुत से किसान हैं जो ऑर्डर अपना दे के रखे हैं। अगर और किसान चाहिए तो अपना पहले ऑर्डर बुक करवा लें, ताकि है जो उनको आगे ये परेशानी ना हो कि ये पौधा मिलेगा नहीं मिलेगा, जब भी बड़े पौधे चाहिए तो आप उनका बुकिंग करवा लें। इसके साथ में एक दिखा दूँ, ये बारी 11 जो वैरायटी है इस पर भी फ्रूट बनना हो स्टार्ट हो गया, ये देखिए आप, फ्रूट है वो बनना स्टार्ट हो गया। बारी 11 जो वैरायटी है इसमें बड़े साइज़ का फ्रूट आता है, और जो अमरपाली और आपने वो दिखाया था वो थोड़ा लंबा टाइप का होता है। इसके बाद में ब्लैक स्टोन मैंगो है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ब्लैक स्टोन मैंगो है, जिसको काला आम भी बोलते हैं, यानी कि काला आम भी इसको बोलते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में आप आम के बारे में आपको, कि कौन सी वैरायटी है, कैसे फ्रूट देती है। तो ये अपने इधर सर्वाइव करने वाली वैरायटी है। इसके अलावा एक वैरायटी हमारे पास ये है जो 4 kg मैंगो है, 4 kg मैंगो है ये, हमारे पास 20 वैरायटी हैं, सभी की डिटेल दिखाएं आपको। ये 4 kg मैंगो है और ये मियाजाकी है, मियाजाकी की इससे बड़े प्लांट भी हमारे पास हैं, करीबन इतनी इतनी हाइट में मियाजाकी के प्लांट है, यानी कि 4 फुट के करीबन हाइट में है, ये 2.5 फुट की हाइट में है। मियाजाकी बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है, काफ़ी प्रोडक्शन इसका रहा है और अपने इधर सर्वाइव करने वाली है। और इसका जो है कलर जामुनी सा कलर आता है, बैंगनी सा कलर आता है इस पर। कीमत की बात करूँ तो 2.5 लाख रुपये किलो बिका था आज से 2 साल पहले, इसका फ्रूट हरियाणा में ही लगा था। तो जो किसान हैं अगर वो अलग अलग खेती करना चाहते हैं या और वैरायटी में किस्में को लगाना चाहते हैं तो वो हमसे मिल सकते हैं। ये देखिए ये केसर वैरायटी का आम है, इस पर देखिए आप
फ्रूटिंग इस पर बनना स्टार्ट है, वो हो गया है, नया फुटाव चल रहा है, प्रत्येक पौधे पे नया फुटाव है। ये देखिए आप, ये बनाना मैंगो है, देखो इसके आप शेप देख सकते हैं, बनाना आम की केले की तरह लंबी है, ये देख सकते हैं आप, ये बनाना मैंगो है। और इस पर आप बगर भी देखोगे तो आप देखकर हैरान हो जाओगे। ये देखिए आप कितना लंबा, जो मिंजर है इसे बोलते हैं, कितना लंबा आता है आप देख, यहाँ से लेके करीबन करीबन अगर मैं अपने बेल्ट जहाँ पे बांधते हैं वहाँ से लेकर गर्दन से देखूँ तो इतनी लंबाई में इसका जो बगर है वो मिंजर है वो आता है। ये हैवी वैरायटियाँ हैं, दूसरे पौधे पे भी दिखा दूँ, ये देखिए आप इस तरीके से, तो ये ज़्यादा फल टिकाने, और उस पर नहीं आप इस पर भी देख सकते हो, ये देखिए एक ही पौधे पर, ये देखिए, ये देखिए मतलब कितना यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर जो फ्लावरिंग है वो उठाता है, काफ़ी हैवी वैरायटी है। और इसके बाद में आप ये देख सकते हो मेरे पीछे और भी वैरायटियाँ हैं, ये देखिए आप, देखिए आप देख के हैरान हो जाओगे कि कितना लंबा है। मैं दिखा दूँ आपको, इतने लंबे तक ये फ्लावरिंग है उठाता है, पूरा 1.5 फीट के करीबन जो हाइट में है फ्लावरिंग उठाता है, ये एक पौधे पर नहीं है। ये देखिए आप, ये देखिए आप कहाँ तक है, जो आपको अनुमान आ रहा होगा वीडियो में देख रहे हैं आप। और अभी नया मिंजर है वो भी इसने उठाना है, वो शुरू कर दिया है, फ्रूट सब पे कन्वर्ट हो रहा है, फ्लावरिंग था फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है, थैली छोटी है तो थोड़ा सा फ्रूट कम सेट हो रहा है। नीचे आपको दिखा दूँ, नीचे भी है वो लगे हुए हैं। तो ये जो आम की वैरायटी थी ये बनाना मैंगो है। इसके बाद मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ, मैं हमारे पास बैरिकेटेड मैंगो, बैरिकेटेड मैंगो मतलब इसके ऊपर है धब्बा सा आएगा आम के ऊपर, एक अलग से डिज़ाइन आएगा, एक अलग से डेकोरेटेड पीस भी कह सकते हैं आप। ये देखिए ये है हमारे पास बनाना मैंगो, इस पर आपको धब्बा दिखाई दे रहा है, इसी तरीके सेम एज इट इज़ धब्बा आएगा वो फ्रूट पे आएगा। इस पर भी मिंजर आया हुआ है, इस पर फ्रूट बनना मैं आपको दिखा दूँ, कहीं फ्रूट इस पर बना है तो, ये देखिए आप इसे फ्रूट थोड़ा कम बना है, ये देखिए आप गिर भी रहा है फ्रूट, और फूटा फ्रूट भी है वो हल्का वल्का, कहीं कहीं है बनना वो स्टार्ट हुआ है। ये देखिए आप हल्का वल्का फ्रूट इसका देखोगे आप, गोल सा टाइप का जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो आपने देखा था ये था हमारा बैरिकेटेड मैंगो। इसके बाद में जो हमारे पास मैंगो है ये है रेड पालीमार मैंगो, जो रेड कलर का सा आएगा। ये देखिए आप, इस पर आप देखोगे तो हल्का जामुनी कलर आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा गोल्ड टाइप का फ्रूट है ये। ये देखिए आप, ये है रेड पालीमार वैरायटी का पौधा जो आपको दिखाई दे रहा है। और ये बनाना मैंगो मैंने पहले भी आपको दिखा दिया, ये केले की तरह लंबा आएगा, ये बनाना मैंगो है। इसका आपको सेफ देख के लग रहा होगा कि भी ये बनाना मैंगो है। और ये हमारे पास फिर अल्फांसो, देखो हमारे पास टैगिंग होती है, देखो ये अल्फांसो मैंगो है, इन सभी पर टैगिंग है, ये अल्फांसो है, काफ़ी हैवी वैरायटी है, काफ़ी सुंदर पौधे हैं, हेल्दी पौधे हैं, नया पौधा सब फुटाव लेना हो स्टार्ट कर रखा है। इसके बाद मैं दिखा दूँ हमारे पास जो है सदाबहार आम, जिसे आम तौर पे गमलों में जो किचन गार्डनिंग करते हैं वो लगाने की कोशिश करते हैं। एक बात और बता दूं वीडियो में, कोई भी पौधा आम का ऑनलाइन डिलीवर नहीं होगा, ये मंदरसी पे आके ले जाना पड़ेगा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऑल टाइम मैंगो है, सदाबहार आम जिसको बोलते हैं, ये वो वाला पौधा है, इस पर हर समय फ्लावरिंग फ्रूटिंग रहती है। तो ये देखिए जो ऑल टाइम मैंगो है उस पर मिंजर है वो आया हुआ है, और इस पर चलता रहता है बगैर, हमेशा चलता रहता है। ये बोनी किस्म है, बोना पौधा है, इसे आप अपने घरों में गमलों में बड़े ड्रम में लगा सकते हो, या वहाँ पर भी अपना प्रोडक्शन हो देना वो शुरू कर देता है। इसके बाद में अमरपाली वैरायटी के मैं और पौधे दिखा दूँ आपको, बड़े पौधे जो हमारे पास अमरपाली वैरायटी के हैं उसके पौधे भी आपको दिखा दूँ, बहुत ही जेन्युइन रेट में मिलेंगे, फ्रूटिंग इन पर ही बनना स्टार्ट हो रखा है। ये देखिए आप, जो पहले स्टार्टिंग में आपको दिखाया था हमें, वो अमरपाली के बड़े पौधे थे, ये अमरपाली के नॉर्मल पौधे हैं जो रूटीन में किसान लेके जाते हैं हमसे, 1, 2, 5, 10 पौधे। ये देखिए आप नया फुटाव है, 20-20 पौधे भी लोग फार्मिंग के लिए ले जाते हैं, तो ये अमरपाली के हैं, नॉर्मल रेटों में रहेंगे, तो ये पौधे भी आप यहाँ से ले जा सकते हैं। तो देखिए उसके बाद में ये हमारे पास है अमरपाली के और मीडियम साइज़ के पौधे हैं, वो थोड़ा कॉस्टली था, ये उससे थोड़ा सा कम रेट में है, तो जो किसान इन पौधों को लेना चाहें 1500 के समथिंग की रेंज में रहेंगे। हर टाइम पर रेट अलग अलग रहता है, पौधे की हाइट के अनुसार, थैली के अकॉर्डिंग रेट अलग रहता है। तना काफ़ी मोटा है इसका, ये देखिए आप पूरे पौंचे में आ रहा है, तना काफ़ी मोटा, स्टंप काफ़ी मोटा है, पूरे हाइट में है। तो अगर मैं देखूँ तो मैं ये आन पौधों से करीबन 1.5 फुट ऊपर खड़ा हूँ, 6 फुट की मेरी हाइट है, 2.5 फुट और ऊपर है, यानी कि 7-8 फीट की हाइट में जो पौधा है वो मिलेगा। और किसान चाहते हैं कि अलग अलग किस्म की फार्मिंग करें,
तो वो भी हमारे नर्सरी पे आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सभी पौधे हैं वो लगे हुए हैं। जो किसान देखना चाहे बीज, सेब कैसे लगता है, नींबू कैसे लगता है, चीकू कैसे लगता है, तो ये सभी वैरायटियों के पौधे हमारे यहाँ पे लगे हुए मिलते हैं। इसी के साथ में हमारे पास ऑल वैरायटी मिलेंगे। अभी आपको हम दूसरी जो हमारी वैरायटी है उसके ऊपर लेके चलते हैं। ये जो आड़ू है, आपको आड़ू दिखाई दे रहा है कि आड़ू कितने आड़ू है वो लगे हुए हैं, इस पर भी स्पेशल वीडियो हमारी आएगी थोड़ा मैच्योरिटी होने के बाद। अभी आड़ू में वो मैच्योरिटी हुई नहीं है, पका नहीं है। इसके बाद में हम नेक्स्ट वैरायटी की तरफ आ गए हैं। ये है कटिमन वैरायटी। कटिमन वैरायटी है, ये साल में 3 बार फल देती है। इसके फ्रूट है वो बनना स्टार्ट हो रखा है। इस पर भी ये देखिए आप, ये सीधा लंबा है, इसमें आगे नोक नहीं है, यानी घुमा हुआ नहीं है, बिल्कुल सीधा है। कोटिमन वैरायटी का पौधा है, काफ़ी हेल्दी पौधे हैं। ये साल में 3 बार फल देता है, अच्छा साइज़ बनता है, अपने इधर अच्छे सर्वाइव है वो करता है। ये हमारे पास जो मल्लिका वैरायटी है उसके पौधे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसने भी काफ़ी मिंजर है उठा रखा है, सभी पौधों ने काफ़ी बगर है जो उठा रखा है। ये देखिए आप किस तरीके से गुच्छों में जो है, जो अब भी जो अप्रैल का लास्ट आ गया है, इसमें भी इतने गुच्छों में नया मंजर उठा रहे हैं इस तरीके से। मतलब काफ़ी फ्रूटिंग के मामले में कोई वैरायटी में कोई ये नहीं है कि ये देखिए आप कितने ज़बरदस्त जो फ्रूटिंग है वो आपको देखने को मिलेगी। ये जो वैरायटी है ये है मल्लिका वैरायटी। इसके बाद में आपको लंगड़ा के पौधे हैं वो भी दिखाना चाहूँगा कि लंगड़े के पौधे हैं वो किस तरीके से हैं। तो ये देखिए, ये विस्तरा वैरायटी का जो आम है वो आम विस्तरा वैरायटी है। इस पर भी फ्लावरिंग है वो आया हुआ है। फ्रूट का साइज़ इसमें देखिए आप किस तरीके से बना हुआ है। मीडियम साइज़ का फ्रूट आता है, काफ़ी बगर है वो आया हुआ है। ये देखिए आप, ये विस्तरा वैरायटी का आम है। विस्तरा भी बोलते हैं इसको अलग अलग जगह। ये देखिए आप किस तरीके से गुच्छों में इस पर भी है वो फ्रूटिंग उठा रखा है। इसके बाद में हमारे पास एक वैरायटी है हटके, कलर्ड वैरायटी बोल सकते हैं हम, इसका नाम है स्वर्ण रेखा वैरायटी। ये देखिए स्वर्ण रेखा वैरायटी है। इसका बड़ा पौधा भी अपने यहाँ पे लगे हुए। और दूसरी बात मैं बता दूँ जो किसान देखने वाले हैं, इन सभी वैरायटियों के पौधे हमारी नर्सरी पे लगे हुए हैं। और आपको आओगे तब हम आपको दिखाएंगे कि ये वैरायटी कैसा प्रोडक्शन दे रही है, कैसा इस पर फ्रूट है। अभी दिखा दूँ लंगड़ा वैरायटी, जो आपको नहीं दिखाई थी मैंने लंगड़ा वैरायटी। ये देखिए आप लंगड़ा वैरायटी पे देखो किस तरीके से गोल गोल मठोल जो इस पर है फ्रूट है। टैगिंग इस पर आपको मिलेगी। ये देखिए आप लंगड़ा की इस पर टैगिंग है वो मिलेगी, यानी कि कोई भी वैरायटी मिक्स नहीं करते हम। जो भी वैरायटी है वो अलग अलग आपको देखने को मिलेगी कि ये वैरायटी जेन्युइन में ये है या नहीं है। इसके बाद में मल्लिका वैरायटी का जो आपको फ्रूट भी दिखा दूँ मैं, ये हमारी नर्सरी पे लगा हुआ है। ये देखिए ये मल्लिका वैरायटी का जो पौधा है ये देखने को मिलेगा। इसके बाद में अमरपाली वैरायटी को आप देखना चाहें तो ये अमरपाली वैरायटी है। ये अमरपाली वैरायटी है जो आपको इस फ्रूट में जो कन्वर्ट होना है वो शुरू हो गया। ये देखिए आप फ्रूट में जो है वो ये इस पर कन्वर्ट होना शुरू हो गया। आप आओगे तब दिखाएंगे आपको। अभी जो विस्तरा वैरायटी जिसका हम बात कर रहे थे, ये देखिए विस्तरा वैरायटी के जो पौधा है इस पर फ्रूटिंग थोड़ा बड़ा है। टाइमिंग लगभग सब में सेम है, थोड़ा आगे पीछे देखिए काफ़ी फ्रूट इस पर रुका हुआ है। हम ज़्यादा फ्रूट रोकते नहीं क्योंकि पौधा इतना मैच्योर हुआ नहीं है, ये अपने आप से ही रुकता है, यानी कि जितना इसको ड्रॉप होना वो हो जाता है। हम इस पर ना कोई स्प्रे करते ना और कोई, लेकिन इस पर भी कभी कम से कम 200 फ्रूट हैं जो रुके हुए हैं। हम चाहते हैं कि इसमें से 50 फ्रूट 100 फ्रूट और ड्रॉप होएँ, 100 फ्रूट रहेंगे तो ये पौधा और अच्छे से ग्रोथ भी करेगा और साइज़ भी काफ़ी इसका अच्छा है वो आएगा। तो ये देखिए, ये जो वैरायटी है जो आपको मैंने पहले छोटे हमारे पौधे दिखाए थे, स्वर्ण रेखा, इसकी पतली पत्ती होती हैं। फ्रूट इस पे देखिए अजीब तरीके से कलर्ड फ्रूट है वो आएगा, इसका जामुनी जैसे ये इसका डंठल है उस तरीके से इस फ्रूट का कलर हो जाएगा मैच्योर होने के बाद। इस पे भी काफ़ी फ्रूट है। ये हमारी नर्सरी पे 2 पौधे हैं वो लगे हुए हैं, एक ये है एक वो दूसरी तरफ है जो पौधा है ये लगे हुए हैं। इसके बाद में जो अल्फांसो वैरायटी की बात करते हैं हम, अल्फांसो वैरायटी देखिए, यह है अल्फांसो वैरायटी जो मैंने आपको पहले पौधा भी दिखाया था, यह अल्फांसो वैरायटी का पौधा है। इस पे भी आप देख रहे हो कितना फ्रूट है वो लगना स्टार्ट हो गया है, यानी कि फ्रूट के मामले में कोई कमी नहीं है अल्फांसो में। तो ये अल्फांसो वैरायटी का पौधा है जो यहाँ पे आपको लगा हुआ है। तो इस पे फ्रूटिंग ज़बरदस्त फ्रूटिंग है। तो इस तरीके से हमारे पास काफ़ी वैरायटियाँ हैं। एक वैरायटी और रह गई है जो हमने यहाँ पे प्लांटेशन कर रखी है, ये देखिए आप ये लंगड़ा जो आम है उसका पौधा है, आपको दिखाई दे रहा होगा।
इसके ऊपर भी फ्रूट है वो बनना स्टार्ट हो गया है, काफ़ी फ्रूट इस पे लगा हुआ है। तो ये सब जब हमारी नर्सरी पे आप विजिट करोगे तब सभी आपको एक नर्सरी पे यानी कि हमारी जो नर्सरी है वहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। बाकी हमारा दूसरा सेटअप है वहाँ पर भी हमने अलग अलग वैरायटी लगा रखी हैं। अभी तो अगर आप हमारी नर्सरी पे विजिट करना चाहें विजिट कर सकते हैं। आम के पौधे हैं वो यहाँ से आके ले जा सकते हैं, पहले अपनी बुकिंग करवा लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो वैरायटी हो जेन्युइन ग्राफ्टेड सारा का सारा पौधा मिलेगा, कोई भी पौधा ऑनलाइन नहीं भेजा जाएगा, ये फिर से बता दूँ मैं आपको, ऑनलाइन कोई भी पौधा नहीं भेजा जाएगा। अर्जुन किसान मित्रों को ये वीडियो अच्छी लगी वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो हो कर लें ताकि जो हमारी नर्सरी की जो और वीडियो हैं जानकारियाँ हैं वो आप लोगों तक पहुँचे और एक बेहतरीन पौधे आपको है वो हमें उपलब्ध करवा सके। हम चाहते हैं किसान या जो बागवानी कर रहे हैं उनको अच्छा पौधा मिले ताकि वो जल्द ही फ्रूटिंग देना शुरू कर दे और उसको मन में लगा के ये होए कि हमने इतना जल्दी पौधा है वो फ्रूट लग गया। हमने गमलों में कुछ पौधे तैयार कर रखे हैं उन पर फ्रूटिंग है, अलग अलग वैरायटी के डेमो प्लांट हैं वो हमने तैयार कर रखे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।